हेलो गाइस, आपका स्वागत है मैं ओर इन्फो टेक चैनल में। आज की इस वीडियो में हम पहली वीडियो का सेकंड पार्ट लाए हैं। जो आपने हमारी पहली वीडियो देखी 5.1 एम्पलीफायर डॉल्बी जो हमने खुद पे घर पे ही मेड करा था, उसकी एक बार ज़रूर वीडियो देखें, फिर ये वीडियो देखें। आज की इस वीडियो में मैंने आपको पहली वीडियो में बताया था कि हमने प्रो लॉजिक बोर्ड ऑर्डर करा था। प्रो लॉजिक बोर्ड तो अभी आया नहीं, पर मुझे एक ट्रिक और पता लगी है जिससे मैं आपको साउंड टेस्ट करा सकूं, क्योंकि लोगों को बहुत सारे कमेंट आ रहे थे सर जल्दी से जल्दी साउंड टेस्ट कराएं इसकी। तो मैंने जल्दी से जल्दी कोई इसका उपाय ढूंढा और इसको साउंड टेस्ट कराने का सोचा। जैसे कि आप देख सकते हैं हमारे सामने कि मैंने पीसी लगा रखा है, पीसी के साथ हमने 5.1 की इनपुट ले रखी है। इससे जो हमारे पीछे थ्री चैनल्स होते हैं, थ्री चैनल से इनपुट ले रखी है। जैसे कि आप इधर देख सकते हैं, इधर हमारा 5.1 स्पीकर है। फिलहाल मैं भी रियर स्पीकर नहीं चला रहा क्योंकि मेरे पास एक ऑक्स केबल नहीं थी। अगली वीडियो में पूरा आपको पूरा लॉजिक के साथ ही दिखाऊंगा। ये खाली हमारी सेंट्रल स्पीकर, सब वूफर और फ्रंट के स्पीकर्स की है। अब मैं आपको स्पीकर के अरेंजमेंट दिखा देता हूँ कैसे है, फिर हम मैं आपको इसको टेस्ट। वैसे आपको बता दूँ, मैं इसको अगर यूट्यूब पे अगर कोई भी वीडियो होती है आपको पता होगा स्टीरियो में होती है वो, इसलिए आपको पता नहीं लग पाएगा। इसलिए मैं आपको एक टेस्ट दिखाऊंगा सिंपल सा, इसमें कोई हम सॉन्ग प्ले नहीं करेंगे, सिंपल एक सारे स्पीकर का टेस्ट है जिससे पता लग जाएगा कौन सा चैनल वर्क है कौन सा चैनल वर्क नहीं चल रहा। जैसे कि आप देख सकते हैं हमारे ऊपर सेंट्रल स्पीकर है, और ये हमारा फ्रंट लेफ्ट स्पीकर, और ये हमारा फ्रंट राइट स्पीकर, और ये हमारा सराउंड सराउंड वाला स्पीकर। पर हमने सराउंड वाला भी चला नहीं रखे क्योंकि हमारे पास अभी ऑक्स की कमी थी। और प्रो लॉजिक बोर्ड आएगा उसके साथ ही मैं ले लूँगा, फिर आपको पूरा दिखा दूंगा। अब फिलहाल हमारे फ्रंट और सेंट्रल स्पीकर का टेस्ट है। जैसा मैं आपको यहाँ से अब मैं इसको हम टेस्ट को स्टार्ट करता हूँ। जैसे कि आप देखें तो मैं आपको नीचे से एम्पलीफायर के सारे कनेक्शन भी दिखा देता हूँ कैसे कैसे कर रखे हैं। अब इधर देखें तो आप देख सकते हैं इधर से मैंने फोर इनपुट दे रखी है, जो हमारे आगे फ्रंट स्पीकर्स और एक सब वूफर और एक सेंट्रल स्पीकर के लिए। अभी सराउंड स्पीकर हमने नहीं चला रखे क्योंकि मैं आपको पहले बता चुका हूँ ऑक्स केबल नहीं थी, इसलिए हमारे फ्रंट स्पीकर और ये सेंट्रल के आउटपुट है। और पीछे से हमने इसके सारे स्पीकर जोड़ रखे हैं इसी आउटपुट के इनपुट से आउटपुट के लिए। चलिए अब इसको शुरू करते हैं टेस्ट को और देखते हैं सारे स्पीकर में हमें कैसी साउंड मिलती है। जैसे कि अब देखें मैं ये ओवरऑल टेस्ट लगाऊँ, आपको हर एक स्पीकर में से अलग अलग तरह की आवाज़ आएगी। जैसे मैं अभी चला के दिखाता हूँ आपको, एक मिनट रुकिए। अब जैसे ही टेस्ट स्टार्ट करते हैं हम, देखिए देखा जैसे कि हमें सारे इनपुट चल रहे हैं। देखा जाए जैसे कि देखा कि हमारे सारे इनपुट अभी वर्क बिल्कुल सही कर रहे हैं, कोई भी इसमें हमिंग प्रॉब्लम भी नहीं है, बिल्कुल सही, बिल्कुल मतलब सारे इसमें। अगर आपको अच्छी लगे तो वीडियो मुझे बताएं और मैं किसके ऊपर आगे वीडियो निकालूं, क्योंकि मैं यूट्यूब पे भी नया नया हूँ, तो आप मुझे थोड़ी सजेशन दें मैं किसके ऊपर निकालूं। और आप जैसे कि देख सकते हैं कोई भी हमिंग नहीं है, आपको एक बार और टेस्ट करके दिखा देता हूँ चाहें। अब जैसे कि देखें तो मैं इसको पहले बताऊँ तो हमारा फ्रंट लेफ्ट चलेगा, फिर फ्रंट राइट चलेगा, और फिर सेंट्रल चलेगा, और फिर सब ऊपर चलेगा। आप जैसे कि सुने, देखा आपने हमारे सारे चैनल बिल्कुल सही तरह वर्क कर रहे हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं हमारे सारे चैनल आगे आगे, आप चाहें तो सराउंड चैनल भी चला सकते हैं इसे, पर आप देख सकते हैं इधर से मैंने सराउंड चैनल बंद कर रखे हैं दो। इधर से हमारे ऑप्शन भी रियर पेयर का, क्योंकि मैं आपको पहले बता चुका हूँ उसके लिए कमी थी। तो बस यही था आज की वीडियो में, तो अगर अच्छी लगे तो फिर लाइक और सब्सक्राइब दबाएं। और अगली वीडियो में इसके ऊपर ये है कि प्रो लॉजिक के बहुत सारे हम 5 के 5 स्पीकर चला के देखेंगे और एक सब वूफर भी चला के देखेंगे विद कार एम्प, और हम सारा कुछ टेस्ट करेंगे। इससे पहले वीडियो का मैं आपको लिंक दे दूंगा, और आपने वीडियो नहीं देखी है तो ये वीडियो देखने के लिए थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग। और हो सके चैनल सब्सक्राइब करें, और वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।